अपराध में ज्ञान व्यापी जैसा मामला सामने आया, जिसमें एक बात दायर किया गया जिसमें कहा गया है कि यहां पर पहले शिव मंदिर था, बाद में कब्र बना दी गई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी ज्ञान व्यापी जैसा मामला सामने आया। यहां कायमगंज तहसील के गांव मऊ रशीदाबाद में बरसों पुराने नवाब रशीद मियाँ के मकबरे को प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा करते हुए न्यायालय में वाद दायर किया गया है। वाद दायर होने के बाद न्यायालय के आदेश पर इस मकबरे का 2 दिन पहले सर्वे अमीन द्वारा किया गया। सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करेगा। इस मुकदमा के वादी हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने के अनुसार इस स्थान पर 1649 से पूर्व शिव मंदिर था। उस समय नवाब रशीद मियाँ की मृत्यु के बाद मुगल शासकों ने शिवालय से शिवलिंग हटाकर रशीद मियाँ को यहां दफना दिया और पुरानी समाधि बना दी। प्रदीप के पास कुछ पुराने रिकॉर्ड उन्होंने उच्च न्यायालय में दाखिल करिए हैं। यहां तक हिंदू और मुसलमान दोनों अपने धर्म के अनुसार आते हैं। हिंदुओं का मेला भी यहाँ लगता है और बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहीं होता है। मुस्लिम लोग अपनी चादर चढ़ाते हैं, आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होता। इस मामले में अधिवक्ता दीपक चतुर्वेदी ने बताया के वादी प्रदीप सक्सेना से प्राचीन शिव मंदिर दावा करते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन में दायर किया है। न्यायालय के आदेश पर सर्वे अमीन को सर्वे को भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभिषेक कटियार, फर्रुखाबाद, समाचार 24। पकड़ना है भाई सर, आज थाना दिवस सर आपने करिए चंदन थाना दिया सर, आप इसके बारे में बताइएगा। आज थाना दिवस बहुत दरवाजा में सात प्रकरण आए, सातों प्रकरण पर समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित को निरीक्षण कर दिया गया है और गुणवत्ता युक्त निस्तारण हो और समयबद्ध रूप से हो, इसके लिए भी सभी संबंधित किया गया है। और उनको जो पक्षकार है दोनों पक्ष को सुन लें और सुनने के बाद जो यथोचित निस्तारण वही किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। सर जी, आप रोज अपने आप कार्यालय में जनसुनवाई करते हैं, उसमें से कितनी विवाद है आपकी, जमीनी विवाद आते हैं अगर इसके ये संख्या तो मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ पे संख्या अलग नोट होती है। ये तो आज थाना दिवस का पूछिए। नहीं नहीं सर, थाना दिवस सर, सर थाना दिवस में करते हैं, उसमें सर जमीनी विवाद आती है सर, इसमें कहाँ पर सर कंप्लेंट आ रही है सर, आपने इसमें नोट किया है क्या? नहीं नहीं, थाना दिवस जमीनी विवाद तो थाना दिवस में भी आती है, जब जनसुनवाई हम करते हैं तो हर एक प्लेटफॉर्म पर आती है। उस विवाद का निस्तारण का तरीका है, कुछ मामले होते हैं जो कि न्यायालय से संबंधित होते हैं, कुछ मामले होते हैं जिसमें कि दोनों पक्ष को बुलाकर रिकॉर्ड देखकर और मौके पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। इसलिए ये तो हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आता है, तो संख्या तो यहाँ पे आज 7 आई है, अब वहाँ पे जनसुनवाई में अलग अलग दिवस पे अलग अलग संख्या होती है, तो ये संख्या बताना तो अभी संभव नहीं। यदि सर तहसील या सर लेखपाल अपना कार्ड सर साइज करेंगे तो आपके पास कंप्लेंट कम आएंगे सर, इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई करना चाहिए? कार्रवाई नहीं, सभी को SDM और तहसीलदार नायब तहसीलदार सबको निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी जन सुनवाई के या जन समस्या के आते हैं उसको समुचित निस्तारण निराकरण करें।